रुख करते हैं पृथ्वीपुर का, जहां मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से यहां मतदान शुरू हो गया था और धीरे धीरे मतदाता जो हैं वो मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। बुंदेलखंड की अहम सीट मानी जाती है पृथ्वीपुर। एक दौर था जब ये निवाड़ी के अंतर्गत आती थी, लेकिन परिसीमन के बाद पृथ्वीपुर विधानसभा सीट घोषित की गई और कांग्रेस का गढ़ यह सीट मानी जाती है। बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद पृथ्वीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र नितिन सिंह राठौर को यहां से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। शिशुपाल यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किला लड़ा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही यहां मतदान शुरू हो गया था और धीरे धीरे लोग अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अब भीड़ नजर आने लगी है, जोश भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही पूरी ताकत झोंकी है इस विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार में। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मंत्री वहां पर डेरा जमाए हुए थे और कोशिश मतदाताओं को रिझाने की पूरी कर ली गई है, लेकिन अब गेंद जो है पाले में है मतदाताओं के। मतदाता ही तय करेंगे कि किसको वो आशीर्वाद देने वाले हैं या दे रहे हैं और किसे नहीं। ये दृश्य आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों के बाहर के, वाहनों की कतारें लगी हैं, लोग भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये खासी लंबी लाइन यहां शुरू में 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ यहां, तो थोड़ी सी धीमी गति धीमी थी, लेकिन अब धीरे धीरे देखो लाइनें लगे हुए हैं यहां। शेख बहाउद्दीन खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। बहाउद्दीन जी, सुबह जिस तरह से आपने जिक्र किया, जिस तरह से तस्वीरें हमें दिखाई, तो मतदान केंद्र थोड़े से सूने पड़े थे, इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है लोगों की लाइन यहां पर दिखाई दे रही है मतदान केंद्रों पर, सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे हैं जी, क्या कहेंगे? बहाउद्दीन जी, एक बात बताइए कि यदि बंपर मतदान होता है, जैसा आप बता रहे हैं कि अभी 9:15 बज रहे हैं और 13% तक मतदान हो चुका है, ये अच्छे संकेत हैं, और क्या रुख जाता दिखाई दे रहा है, लोगों का क्या कहना है, क्या उनके मन में है, ये टटोलने की कोशिश की है आपने, क्या कहते हैं लोग? लोगों से बात हुई है, लेकिन ज्यादातर लोग सिंपैथी पर जा रहे हैं और सत्ता का जो उपयोग किया जा रहा है उस पर लोग बात कम रखते हुए सिंपैथी वोट देने की ज्यादा उम्मीद है। सीधी सी बात है बहाउद्दीन जी कि जब चुनाव होते हैं, चाहे उपचुनाव हो चाहे आम चुनाव हो, राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, वैसा स्वाभाविक तौर पर दोनों ही दलों ने अपनी ताकत लगाई भी है। चूंकि उपचुनाव है और हमेशा से उपचुनाव का रुख जो है सत्ता पक्ष की ओर ही रहता है, क्योंकि जनता भी समझती है कि हम यदि सत्ता पक्ष की के प्रत्याशी को यदि चुनकर लाते हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास तेज गति से होगा, हमें सहूलियत होगी, लेकिन यहां पर सहानुभूति की लहर है, तो विकास वर्सेस सहानुभूति क्या लगता है आपको? जी, यहाँ पे विकास भी कांग्रेस पार्टी के जमाने से कुछ हुआ है, लेकिन सिंपैथी जो रही है, मंत्री जी लोकप्रिय रहे हैं और जनता से जुड़े रहे हैं, जमीन स्तर से जुड़ाव उनका रहा है, तो लोग विकास की जगह सिंपैथी वोट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे प्रशासन इस तरीके से ताकत लगाए हुए है और शासन के कद्दावर नेताओं ने यहाँ 1 महीने से डेरा डाल रखा था, तो लोगों का कहना यह है कि 1 महीने से आप वोट के लिए आ गए हैं, लेकिन आज तक 5 साल 6 साल 10 साल हो गए, आपने कभी इस तरीके से जनता की सुध नहीं ली और ना ही विकास कार्यों की बात की, और महंगाई के चलते लोग हताश हैं और सिंपैथी वोट डालने के लिए आते हो रहे। अच्छा, ये बताइए बहाउद्दीन जी की किस तरह, मतलब यानी कि महिलाओं में ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है मतदान के लिए कि बुजुर्गों में, या युवा ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं? जी जी, यहाँ पे महिलाएं और बुजुर्ग और एजेड आदमी सभी और साथ में युवा भी हर तरह से
चारों तरफ देखा जा रहा है, इस तरफ देखिए महिलाओं की पुरुषों की लाइन लगी हुई है, बीच में महिलाओं की भी लाइन लगी हुई है, इस साइड में महिलाओं की लाइन काफी लंबी आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन यहाँ पे नौजवान, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आज वोट के लिए बाहर निकल कर आए हैं और साथ ही यहाँ पर प्रशासन काफी सुस्त है। लेकिन बस देखना यह है कि चिंपैती इस पाले को जीत पाती है या सत्ताधारी। शेख जी एक बात बताइए, चलिए सिंपैथी को और राजनीतिक गुणा भाग को यदि हम छोड़ दें तो जनता के मन में क्या है, क्षेत्र की जनता क्या अपेक्षा कर रही है इन प्रत्याशियों से, क्या वो चाहती है, ऐसे वो कौन से बातें हैं, ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी जीतेगा या जिसे भी हम चुन रहे हैं वो हमारे क्षेत्र में ये सारी कमियों को दूर कर देगा। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी वो क्या कमियां हैं, कौन से विकास कार्य हैं जो अधूरे हैं और क्षेत्र की जनता लंबे समय से जिनकी मांग कर रही है और जिस इस चुनाव के बाद उन्हें अपनी उम्मीदें पूरी होती दिखाई दे रही हैं अपने जिन प्रत्याशी को वो चुनेंगे उससे क्या कहें, कौन सी ऐसी बातें हैं। जी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी उम्मीदें दी गई हैं और जो विकास कार्य किए जा रहे हैं या साथ ही साथ आवास के काम किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जनता के जो भी खाद्य विभाग का काम है या जनता को मध्यान्ह या राशन का देने का काम है, इन सभी में भ्रष्टाचारी को देखने को मिल रही है। जैसे कि आवास का काम है तो आवास में हर व्यक्ति से 10,000-20,000 रुपए लेने के बाद ही उनका काम हो रहा है और जिनके अधूरे हो गए हैं काम उनको दोबारा किस्त नहीं डाली जा रही है, पैसों की फिर से मांग की जाती है। राशन का है, राशन ब्लैक हो रहा है, लोगों में परेशानी है, लंबी लंबी कतारें लगने के बाद आधा राशन बचने के बाद कैसे राशन खत्म हो गया, कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो गरीब जनता से जुड़ी हुई है। बहाउद्दीन जी एक बात है, ये तो सिस्टम की खामियां हैं, गाये बगाये इस तरह की चीजें सामने आती। मेरा सवाल ये था कि यहाँ क्षेत्र की जनता किन उम्मीदों के साथ मतदान कर रही है, कि क्या कुछ इस उपचुनाव के बाद वो बदलने की उम्मीद कर रही है, जिसके भी पक्ष में वो वोट डाल रहे हैं वो क्या अपने प्रत्याशी से उम्मीद कर रहे हैं। और जिस तरह की बातें आपने बताई, कांग्रेस की सीट रही है, बृजेंद्र सिंह राठौर यहाँ पर विधायक रहे हैं और उसके बाद मंत्री भी रहे वो, और ये जो सिस्टम की आप जो खामियां बता रहे हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्षेत्र के विकास को लेकर अपेक्षाएं क्या हैं जनता की, वो मैं जानना चाहूंगा आपसे। जी जनता की यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पानी की रहती है, पानी यहाँ इस क्षेत्र में बहुत कम रहता है और बारिश भी बुंदेलखंड क्षेत्र के या इस क्षेत्र में सबसे कम बारिश होती है, जिसको लेकर लोग पानी की उम्मीद से जुड़े हुए हैं कि पानी यहाँ आएगा। बृजेंद्र सिंह राठौर के समय से यहाँ पे पानी पृथ्वीपुर विधानसभा में जो सिकुआ ढुकुआ बांध से पानी पीने का पानी की लाइन डाली गई थी, तब से यहाँ पे बहुत राहत है लोगों को और उनका कहना है कि हम यहाँ पे हर तालाब को नदियों से जोड़ेंगे। उनका जो सिलसिला चल रहा था जिसके चलते वो अब आज दुनिया में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो भी कार्य हुआ है वो कार्य भी चल रहे हैं, लेकिन विश्वास लोग ज्यादातर कांग्रेस पार्टी में रखते हैं विकास के तौर पर। इनका क्या है, बीजेपी पार्टी का जो काम करते हैं, काम तो हुआ लेकिन उसमें भ्रष्टाचारी को लेकर लोग उतना कुल मिलाकर जो भ्रष्टाचार के मामले हैं या जिस तरह की शिकायतें लोगों की उसको लेकर नाराजगी है, लेकिन कुल मिलाकर शेख बहाउद्दीन साहब हम ये समझे कि सहानुभूति की लहर जो है वो ज्यादा जोर मार रही है पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में और उसका असर दिखाई भी दे रहा है जैसा आप कह रहे हैं। क्या कुछ अब रिजल्ट नतीजे आते हैं, किसे जनता चुनती है, जनता के मन में क्या है, ये कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि नतीजे ही बताएंगे कि जनता के मन में क्या है, क्या था और किसे उसने अपना नुमाइंदा चुना है इस क्षेत्र से। बहुत शुक्रिया बहाउद्दीन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये उस पोलिंग बूथ के दृश्य हैं जहां पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं और पूरे जोश खरोश के साथ पृथ्वीपुर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। लाइन लगना शुरू हो गई है, वहां शुरुआत थोड़ी धीमी थी लेकिन अब मतदान की प्रक्रिया तेजी पकड़ती जा रही है। पृथ्वीपुर में विकास का मुद्दा अहम है, क्षेत्र के विकास को लेकर अपेक्षाएं बहुत हैं यहां के लोगों में और स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर जिनका खासा प्रभाव इस विधानसभा सीट पर रहा है, उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए जो कुछ किया, अब भारतीय जनता पार्टी ने भी क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने की बात कही है, वादे किए हैं और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो उन वादों को पूरा
करने का मादा भी रखती है, लेकिन एक तरफ नितिन सिंह राठौर हैं, बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र जिन्हें टिकट दिया है कांग्रेस ने, उनकी भी साफ सुथरी छवि और मिलनसार स्वभाव बहुत तमाम ऐसी चीजें हैं जो जनता के बीच उनकी एक बेहतर छवि बनाती हैं। और सहानुभूति की लहर, जैसा शेख बहाउद्दीन हमारे संवाददाता बता रहे थे, यहां पर साफ देखी जा सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर मतदाता के क्या है ये कहना बड़ा कठिन है। हालांकि पूरे जोश और खरोश के साथ मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, और जैसा अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि 13% मतदान अभी तक हो चुका है वहां, और निश्चित तौर पर 80-90% मतदान की बातें कही जा रही हैं शाम को मतदान समाप्त होते होते। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।